क्रिकेट को जेंटलमैन का गेम कहा जाता है। हालांकि मैदान पर कई बार ऐसा होता है जब खिलाड़ी अपना आपा खो देते हैं और वो किसी विरोधी टीम के खिलाड़ी या फिर अंपायर से ही उलझ जाते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है जब कोई खिलाड़ी अपनी ही टीम के खिलाड़ी के साथ में झगड़ा कर लेता है, लेकिन मैच के बाद में सब कुछ सामान्य हो जाता है। जब कोई खिलाड़ी मैदान के अंदर गलत आचरण दिखाता है तो मैच रेफरी और आईसीसी उन पर एक्शन लेते हैं। कुछ मामलों में ये सजा आर्थिक दंड होती है तो कई बार ये मैच निलंबन तक होती है, लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे में मैदान के बाहर अपने किए गए गलत कामों के लिए चर्चा का विषय बन जाते हैं, जिसके कारण उन्हें सजा भी मिलती है। हालांकि ऐसा आपने शायद ही सुना हो जब किसी क्रिकेटर को सजा के तौर पर मृत्यु दंड मिला हो। यकीन आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा, लेकिन इतिहास के पन्ने पलटकर देखें तो दुनिया का एक क्रिकेटर है जिसको अदालत ने सजाए मौत सुनाई थी, फिर उसे फांसी के फंदे पर लटकाया गया। हम बात कर रहे हैं एक गरीब परिवार में जन्मे लेस्ली जॉर्ज हिल्टन की। 1927 में वो जमैका क्रिकेट टीम के सदस्य बने। हालांकि वेस्ट इंडीज के लिए उन्हें खेलने का मौका 1935 में मिला था। लेस्ली जॉर्ज हिल्टन ने अपना पहला मुकाबला इंग्लैंड के खिलाफ खेला। इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, 4 मैचों की टेस्ट श्रृंखला में वेस्ट इंडीज की जीत सुनिश्चित करने में मदद की। उन्हें 1939 में फिर से इंग्लैंड के 3 टेस्ट के दौरे के लिए चुना गया, लेकिन वो आउट ऑफ फॉर्म हो गए, टेस्ट टीम में अपनी जगह खो बैठे। अपने घर लौटने पर उन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास ले लिया। हिल्टन को जमैका के एक पुलिस इंस्पेक्टर की बेटी लुरलाइन रोज से प्यार हो गया और उन्होंने परिवार के विरोध के बावजूद 1942 में शादी कर ली। साल 1947 में इस जोड़े के घर एक बेटे का जन्म हुआ। लुरलाइन फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी, जिसके कारण वो न्यूयॉर्क की लगातार यात्राएं कर रही थी। बाद साल 1954 की है। हिल्टन को न्यूयॉर्क से एक अहस्ताक्षर टेलीग्राम प्राप्त होता है, जिसमें रॉय फ्रांसिस के साथ में उनकी पत्नी के संबंध के बारे में बताया गया। हिल्टन ने अपनी पत्नी से इस बारे में बात की, हालांकि शुरू में तो उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन जब हिल्टन ने उस पत्र को पढ़ा जो कि उन्हें न्यूयॉर्क से आया था, तो उनकी पत्नी ने अपने अवैध संबंधों की बात को स्वीकार कर लिया। कहा जाता है कि इसके बाद गुस्से में इस क्रिकेटर ने अपनी पत्नी को 7 गोलियां मारी, फिर खुद पुलिस को फोन किया। अक्टूबर 1954 में उनके खिलाफ मुकदमा शुरू हुआ। वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड के सदस्य नोएल नेथसोल ने हिल्टन का बचाव किया। हिल्टन ने अपनी गवाही में दावा किया कि उन्होंने खुद को गोली मारने की कोशिश की और चूक गए, इसके बजाय अपनी पत्नी को गोली मार दी। हालांकि हिल्टन की पत्नी के शरीर में 7 गोलियां लगी थी। जूरी को आश्वस्त करते हुए उसे सर्वसम्मति से दोषी पाया गया और 20 अक्टूबर 1954 को फैसला सुनाया गया, जिसके बाद इस क्रिकेटर को फांसी की सजा हो गई। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऐसी ही तमाम हैरान करने वाली कहानियां भी हम आपको खेल जंक्शन पर दिखाएंगे। खेल जंक्शन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।